हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं और थाल कवर भी बना सकते हैं या फिर पूजा का आसन भी बना सकते हैं। तो ये मैंने भूल से बनाया है और आज मैं आपको डोरमेट बताऊंगी जो कि साड़ी और चुन्नी से बताऊंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये साड़ी को कट कर लिया है लंबाई में और ये पट्टियाँ करके गोला बना लिया है। यहाँ पे मैं 8 नंबर सलाई ले रही हूँ और देखिए, सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी। और देखिए, इसको मैंने 32 फंदे से बनाया है। भूल से है तो फंदे ज्यादा हैं इसमें। अगर आप साड़ी से बनाना चाह रहे हैं तो आप 4 के मल्टीपल में जितना मर्जी फंदे ले सकते हैं। आप 40 फंदे का भी बना सकते हैं, तो जो भी आप बनाना चाहें। तो देखिए, ऐसे इस तरह से मैं यहाँ पे फंदे डाल के तैयार करूंगी। फंदे आपको यहाँ पे लूज डालने हैं, बहुत ज्यादा खींच के नहीं डालना है। इस तरह से तो मैं यहाँ पे फंदे ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं। मैं आपको 16 फंदों में बता रही हूँ। तरीका सेम है, आप जितना मर्जी इसमें फंदे लेके इसको बना सकते हैं। और देखिए, ये 4 रो डली हैं तो मैंने 4 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं। अगर आप ये रो जो है ज्यादा डालना चाहते हैं, ये वाली डिजाइन चौड़ी रखना चाहते हैं, तो आप 6 के मल्टीपल से भी ले सकते हैं, 8 के मल्टीपल से भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, हम फर्स्ट रो इसमें उल्टा बुनेंगे ऐसे। यहां से पूरी रो उल्टा बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक ऐसे। अभी इस रो में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाते जाना है। ना हम इधर फंदे बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे, ना इस साइड, दोनों साइड इसको ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप देखिए, इसको हम उतारेंगे फंदे को एक तरफ से। उधर से बना लिया तो इधर से हम उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को हम इधर कर लेंगे और यहां से हम इसे उल्टा बनाएंगे ऐसे। दोनों तरफ से ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से यहां तक मैंने ये बना लिया। अब देखिए, इस साइड का हम इधर आएंगे जब फंदा उतारेंगे। तो देखिए, इसको हम उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी इधर करेंगे और ऐसे ही ये देखिए, यहां पर हम ये 4 रो बना लेंगे। तो एक मेरी ये आ रही है जिससे फंदे डाले हैं, दूसरी ये हो गई, तीसरी इधर से उल्टी, फिर इधर से उल्टी वापस। तो यहाँ पे मैं 4 गांठ स्टिच इधर आ जाएंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 रो बना ली हैं। इधर से 3 रो हैं, 7 रो टोटल दोनों तरफ की बनाई हैं। 8वीं रो हमारी इस साइड से होगी उल्टे तरफ से। तो अब देखिए, यहाँ से हम 4 फंदे घटाएंगे, 1 2 3 और देखिए 4था फंदा घटाएंगे। उससे पहले हम कलर ऐड कर लेंगे जो लाइनिंग के लिए मैंने ये डाला हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये 4 फंदे घट गए। देखिए, इसलिए मैंने 4 के मल्टीपल से फंदे लिए थे। 4 रो बना ली, 4 फंदे घटा दिए। अगर आप 6 के मल्टीपल से लेंगे तो आपको 6 फंदे घटाने पड़ेंगे और 6 रो बनानी पड़ेंगे। अब देखिए, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया ऑरेंज वाले को, अब ग्रीन से बनाएंगे ऐसे। इस तरह से पूरी रो हम बनाएंगे। ये बहुत इजी डोरमेट है, बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी रो कंप्लीट की। इसको हम उतार लेंगे। इस इधर देखिए, मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, इसको हम ऐसे ही अभी बनाएंगे। पूरी रो इधर से भी उल्टी बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये रो बना ली। आप देखिए, इस फंदे को हम उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को इधर करेंगे
और देखिए इस धागे को हम ऐसे कर देंगे इस साइड थोड़ा सा अंदर करके, ये देखिए दो फंदे बुनने के बाद मैंने किया है, और यहाँ से इधर से भी ये रो उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने ये बना लिया, तो इस साइड ऐसे चैन आनी चाहिए आपकी। देखिए अब हम इसको उतार लेंगे इधर से, कपड़े की पट्टी को इधर करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पे ये रो कंप्लीट कर देंगे। ये हो गई। अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे अभी दो रो और इस कलर से बनाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा तो हम बना लेते हैं, जब चार हो जाएंगे उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे चार रो बना ली हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से हम फंदे घटाएंगे, तो देखिए 1 2 3, ये देखिए तीन फंदे घटा दिए। चौथा फंदा घटाने से पहले हम ये कलर ऐड कर लेंगे, आप जितना मर्जी इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, हर ये रो अलग अलग डिजाइन की अलग अलग कलर की बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये चार, ये देखिए इस तरह से इसको बनाते हुए अब फिर से जाना है। ये देखिए आप देखिए, ये देखिए इसी तरीके से अब हम चार रो ऑरेंज की बनाएंगे, फिर चार फंदे हम घटा देंगे। तो इस तरह से हम देखिए अभी बना के कंप्लीट करते हैं आगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फंदे घटा लिए हैं, लास्ट में हमारे पास चार फंदे बचे हैं, तो मैंने इन फंदों की भी चार रो बनाई है, 1 2 3 4। अब देखिए इनको हम यहाँ से ऐसे घटा देंगे, 1 2 3। ये देखिए इसको हम जब घटाएंगे इसमें हम कलर ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैं आगे ये कलर लगाऊंगी, आप जो भी कलर लगाना चाहें। तो ये देखिए यहाँ सब फंदे घट गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से फंदे डाले, ये आप देख सकते हैं, और ऐसे घटाते हुए आई हूँ। अब मैं इस वाली रो से जहाँ से मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, सिर्फ फंदा उतारा था, यहाँ से फंदे उठाऊंगी। तो देख सकते हैं आप ये यहाँ से एक पार्ट से इसका ऐसे ऐसे बनके ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये वाला बनाने के लिए हम यहीं से फंदे उठा लेंगे, फिर अगला जब बना के आएंगे तो हम यहाँ से फिर फंदे उठाएंगे, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसे फंदे उठा लेंगे। तो लास्ट में आके ये एंड होगा, जब चार फंदे बचेंगे आपके पास तो यहाँ पे आप ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ऐसे इसको बनाते हुए जाना है। अब देखिए हर एक रो से हम एक फंदा उठाएंगे इसमें से, ऐसे ये 2 ऐसे 3 4। ये देखिए ये चार रो है तो चार फंदे उठेंगे इसमें, ऐसे ही अगली रो में हमें उठाने हैं, 1 2 3 4। ये देखिए जितना फंदे आप स्टार्टिंग में डालेंगे उतने ही फंदे आपके यहाँ पे उठने चाहिए, 2 3 4 ऐसे। और देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये देखिए 4 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे का मैंने बताया आपको, तो 16 फंदे मैंने ये उठा लिए हैं। और ये देखिए अब यहाँ से फिर से हम जैसे स्टार्टिंग में मैंने चार रो सिंपल बुनी थी वैसे ही हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे जब फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से,
इस फंदे को ऐसे ही बना लेंगे सीधा करके, ये देखिए। तो ऐसे इसको बनाते हुए जाना है, जब इसकी चार रो हो जाएंगे तो फिर यहाँ से फंदे घटाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा बन के ऐसे देखिए, ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये वाला स्टार्ट हुआ है। देखिए मैंने इतना सिला हुआ है यहाँ से, तो आप ये मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया है और दूसरी कली ये वाली आ जाएगी ऐसे, और तीसरी फिर यहाँ से ऐसे आएगी, और चौथी यहाँ से यहाँ तक ये सिल देंगे। तो इस तरह से ये पूरा बनाते हुए जाना है, कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।